हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक्ने ट्रीटमेंट में यूज़ की जाने वाली एक जेल के बारे में आपको बताने वाली हूँ। बहुत दिनों से मैं कोई एक्ने ट्रीटमेंट में यूज़ की जाने वाली जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो शेयर नहीं कर रही थी। ये मतलब नहीं है कि मेरा फेस एकदम क्लियर हो गया। एक्ने प्रोन स्किन है तो प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं कुछ चीज़ें यूज़ करके देख रही थी, और जब उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं तब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर हाँ मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करती रहती हूँ और किया भी है, तो वो जो सारी चीज़ें बताते हैं उनको यूज़ करके मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। क्योंकि जब आप कोई चीज़ बहुत टाइम से यूज़ करते हो तो फिर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे ही मैं अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाली हूँ। मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ ये क्लियर जेल नीको। इसमें क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड जेल है। क्लिंडामाइसिन मुझे बहुत सूट करता है और इसका मैं बहुत सारे वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सारे क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जिसमें ये इंग्रेडिएंट है, बहुत सारे जेल्स फेस वॉशेस में यूज़ कर चुकी हूँ, उसका रिव्यू आपको मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम मैंने ये क्लिंडामाइसिन को निकोटिनामाइड के साथ यूज़ किया है। ये जो जेल है इसमें 1% क्लिंडामाइसिन यूज़ किया गया है और 4% निकोटिनामाइड यूज़ किया गया है। क्लिंडामाइसिन जो होता है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि पिंपल्स को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको क्लिंडामाइसिन सूट किया है तो आप मेरे जो पुराने वीडियोस हैं क्लिंडामाइसिन को वो चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और बहुत सारे लोगों की स्किन पे सूट नहीं भी करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हर किसी को सूट करे, पर अगर सूट करती है तो बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें निकोटिनामाइड है। निकोटिनामाइड में विटामिन B3 की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि रेडनेस हुआ, स्वेलिंग हुई, इन चीज़ों को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जब ये दोनों चीज़ें साथ में मिल जाती हैं तो बहुत अच्छे से ये काम करता है। मतलब आपके पिंपल भी ठीक होंगे, स्वेलिंग ठीक होगी, रेडनेस वगैरह नहीं होगी। कुछ लोगों को पिंपल ठीक पिंपल जाते जाते बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं, तो ये जेल आप यूज़ करेंगे तो आपको दाग धब्बे भी नहीं होंगे। ये जो जेल है इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये स्कार्स पे काम नहीं करता है। किसी भी टाइप के स्कार्स पे ये काम नहीं करेगा। आपको सिर्फ पिंपल हो, पिंपल किसी भी टाइप के हो, एक्ने हैं और किसी भी टाइप के एक्ने हैं, हार्मोनल एक्ने हैं या टीनेज जो होते हैं टीनेजर्स को पिंपल एक्ने हो जाते हैं, उन सब पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये जो जेल है ये क्रीम फॉर्म में भी आती है, पर अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन पे आप यूज़ कर रहे हो तो मैं कहूँगी जेल फॉर्म में ही यूज़ करो। ये जेल फॉर्म में है, कोई भी फ्रेग्रेंस वगैरह इसमें नहीं है। प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस सिर्फ 174 रुपीज़ है। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, टाटा 1MG से मैंने इसको मंगवाया था। दूसरे दिन ही मुझे मिल गया था और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट भी मिले थे। मतलब मुझे 120 के अराउंड ये प्रोडक्ट मिला, तो काफ़ी सस्ता भी है, बहुत अच्छे से काम भी करता है। तो अब बात करते हैं इसको लगाना कैसे है। दिन में तो बिल्कुल इसको नहीं लगाना है। दिन में एक अच्छा सा सनस्क्रीन आपको यूज़ करना है जब आप ये वाला जेल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो जेल है इससे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। अभी आपको मैं क्लिप दिखाऊंगी, उसमें मैं दिखाऊंगी कि इसको 4-5 दिन यूज़ करने के बाद ही मेरी स्किन कैसे ड्राई हो गई और पील होने लगी, हल्का हल्का पीलिंग होने लगता है 3-4 दिन में ही। तो आप जब इसको यूज़ करते हो तो दिन में एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है, मॉइस्चराइज़र ऐसा लगाना है। तो जब आप इसको दिन में यूज़ करते हो तो आपको एक अच्छा सा सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन ऐसा लगाओ जो अच्छे से मॉइस्चराइज भी करे। अगर आपका सनस्क्रीन अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करता है तो सनस्क्रीन पे आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हो उसके ऊपर, पर मैं कहूँगी कि कोई ऐसा ही सनस्क्रीन लगाओ जो मॉइस्चराइज भी करे और सन से आपका प्रोटेक्शन भी करे। जब आप इस क्रीम को लगा रहे हो तो बिना सनस्क्रीन के बाहर भरी धूप में बिल्कुल भी नहीं जाएं, स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। इस जेल को आप नाइट में ही लगाएं। जब इस जेल को लगाते हो तो एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करो, क्रीमी फेस वॉश यूज़ करो। सेटाफिल का आप कर सकते हो
या फिर क्रीमी टेक्सचर का करो जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करे और आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई नहीं करे। जैसे क्लीन एंड क्लियर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उससे स्किन वैसे ही ड्राई होने होती है जब आप इसके साथ यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आएगी। ऐसे ही अहा ग्लो हुआ, ये सारे फेस वॉशेस ना जेल फॉर्म में हैं और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस ड्राई कर देते हैं स्किन को। तो पियर्स का एक फेस वॉश आता है, फिर आप सेटाफिल का कर सकते हो और हिमालया के जो क्रीमी टेक्सचर वाले आते हैं, मतलब जो भी फेस वॉश आप यूज़ करो वो मॉइस्चराइज करे आपकी स्किन को, ऐसा फेस वॉश यूज़ करना है। जब फेस अच्छे से ड्राई हो जाए तो जब आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको फेस सीरम टोनर वोनर दुनिया भर की चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको एक पतली लेयर अपने पूरे फेस पर लगा लीजिए। इस जेल को ऐसे नहीं लगाना है कि जहाँ पिंपल हुआ वहाँ वहाँ आप लगा रहे हो, इसको अच्छे से पूरे फेस पे आइस छोड़ दो और नोज़ के इधर भी कॉर्नर्स पे छोड़ देना, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है चिन के आसपास, नहीं तो रेडनेस आ जाती है। तो ऐसे इधर छोड़ दीजिए, बाकी पूरे फेस पे एक पतली सी लेयर लगाइए। ऐसा नहीं करना है कि ओवरडोज आप यूज़ करो, हद से ज़्यादा लगा रहे हो कि जल्दी ठीक होगा, नहीं, इतनी क्वांटिटी लगाओ जितनी सफिशियंट है, अच्छे से पूरे फेस पे लगा लीजिए। इसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगती है तो आप एक मॉइस्चराइज़र लगा लो 2-3 मिनट बाद, नहीं तो मैं तो नहीं लगाती हूँ और ऐसे ही ओवरनाइट छोड़ देती हूँ और बस ऐसे ही आपको इसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे 1 दिन में 2 दिन में, नहीं, आपको 4-5 दिन में थोड़ी सी ड्राइनेस होने लगेगी और साइज़ कम होता नज़र आएगा, पिंपल के चारों तरफ थोड़ी सी ड्राइनेस होगी, तो ये ऐसे आपको थोड़े से रिज़ल्ट ऐसे मिलने लगेंगे। इसके पूरे रिज़ल्ट मिलने के लिए आपको इसको 2 से 3 वीक्स तक रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको इसके पूरे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है तो आप ऑल्टरनेट डेज पे इसको लगाइए और एक दिन आप ये लगाइए, एक दिन आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। नहीं आपको कोई मॉइस्चराइज़र सूट करता है तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, तो कुछ इस तरह से इसको लगाना है। अभी कुछ दिनों से, मतलब 1 वीक हुआ है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, 1 मंथ जब हो जाएगा इसका रिव्यू मैं शेयर करूँगी, अभी 1 वीक हुआ है और मैं पास से अपनी स्किन दिखा देती हूँ, अभी कुछ ऐसी लग रही है और दाने थोड़े थोड़े से साइज़ रिड्यूस हुई है, दाग धब्बों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो 1 वीक में आपको इतने ही रिजल्ट्स मिलेंगे। जब मुझे 15 डेज़ हो जाएंगे मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि अब कितना कैसा रिज़ल्ट मिला, पर अभी अभी मैंने इसको लगाना शुरू किया है तो मुझे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र, जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करें मेरी स्किन को। जब आप ये जेल यूज़ करते हैं तब आपको पानी भी बहुत ज़्यादा पीना है, मतलब स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करके ही रखना है। तो अभी तक ये हुआ कि दाने बहुत छोटे थे वो उनकी साइज़ कम हो गई, बड़े दानों के आसपास मुझे ड्राइनेस लगने लगी, स्किन बहुत ज़्यादा पील कर रही है, तो अभी कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और मैं इसको ऑल्टरनेट डेज पर नहीं लगा रही हूँ, मैं एवरी डे इसको यूज़ कर रही हूँ। 7 डेज़ हो गए, 7-8 डेज़ हो गए होंगे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। कई बार मुझे इसको लगाने बाद ईचिंग भी होने लगती है, तो अगर मुझे ईचिंग फील होती है तो फिर मैं उस दिन नहीं लगाती हूँ या और अच्छे से एलोवेरा जेल वगैरह लगा लेती हूँ। तो अभी तक कुछ मुझे इस टाइप इतने ही रिजल्ट्स मिले हैं। जब मुझे 1 मंथ हो जाएगा, 15 डेज़ हो जाएगा, मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि मुझे कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और क्लिंडामाइसिन जेल मेरे मुझे बहुत अच्छे से सूट करती है। मैं क्लिंडेक ए जेल बहुत टाइम से यूज़ कर रही थी और हमेशा यूज़ करती हूँ, और इस बार ये जेल यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी कुछ वैसे ही सिमिलर है, कोई कलर वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया गया है, फ्रेग्रेंस यूज़ नहीं की गई है, बहुत अच्छी बात है और अच्छे से काम करती है। आपको भी अगर एक्ने की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तब आप इसको बिल्कुल यूज़ करके देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से काम करेगी और
बिल्कुल आप इसको यूज़ करके देखो, मेरे साथ रिज़ल्ट शेयर करो। और मैंने तो अभी अभी इसको लगाना शुरू किया है। अगर आपको आप इसको लगा रहे हो, बहुत टाइम हो गया है, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको रिज़ल्ट्स कैसे मिले। और आप क्लिंडा के या क्लिंडामाइसिन, बेंजल परोक्साइड, रेटिनॉल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।